हमारा जैसे टॉपिक चल रहा था मुख्तसर अफसाने पर मुख्तसर नोट, उसी को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए आज हम जो बात करेंगे मुख्तसर अफसाने की, वो बात करेंगे अर्तका के बारे में। अर्तका मतलब है उसमें तरक्की कैसे हुई, उसकी प्रोग्रेस कैसे हुई, यानी उसकी शुरुआत से लेकर उसकी आखिर तक की बात के बारे में हमें पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा कि मुख्तसर अफसाने का जो अर्तका है वो कैसा है, वो उसी के बारे में। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि उर्दू अदब के अंदर मुख्तसर अफसाने का जो आगाज है, जो उसकी शुरुआत है, वो कहाँ से हुई, कब से हुई? 20वीं सदी के शुरुआत में, यानी कि हम 1925 से उर्दू के अंदर मुख्तसर अफसाने का आगाज मानते हैं शुरुआत। इससे पहले भी कुछ हिंट मिले थे, लेकिन इसका आगाज हम 20वीं सदी के इब्तिदा में मानते हैं। तो आपको एग्जाम के अंदर यही लिखना है, आ जाए तो उर्दू अदब में मुख्तसर अफसाने का जो आगाज है वो 20वीं सदी की शुरुआत में हुआ, और इसकी शुरुआत करने वाले जो पहले मुसन्निफ थे उनका नाम था मुंशी प्रेमचंद। ध्यान रखना, मुंशी प्रेमचंद को मुख्तसर अफसाने का आगाज करने वाला माना जाता है। उर्दू अदब में मुंशी प्रेमचंद ने मुख्तसर अफसाने का आगाज किया, और उनका जो पहला अफसानवी जो मजमुआ है वो किस नाम से शाई हुआ? सोजे वतन के नाम से शाई हुआ। दो बातें हैं इसमें, ये ध्यान रखना है, मुख्तसर अफसाने की जो शुरुआत है वो करने वाले मुसन्निफ कौन है? मुंशी प्रेमचंद, और उनका जो अफसाने का जो पहला मजमुआ है वो है सोजे वतन। अब उसके बाद जो है हम बात करते हैं कि सज्जाद हैदर यल्द्रम। तो सज्जाद हैदर यल्द्रम को रोमानी अफसाना निगार माना जाता है, यानी इनके अफसानों में रोमानापन मिलता है, इसलिए इनको रोमानी अफसाना निगार कहा जाता है। तो इसकी जो शुरुआत यहाँ आते आते इसने जो तरक्की की, ये तो इस मुख्तसर अफसाने का शुरुआत का पीरियड है। इसकी जो चरम सीमा, इसकी जो तरक्की के जो सबसे वीक पॉइंट है, पीक है, वो यहाँ तरक्की पसंद तहरीक से स्टार्ट हुआ। तो ये ध्यान रखना, उर्दू में मुख्तसर अफसाने की जो शुरुआत है मुंशी प्रेमचंद से हुई, क्यों, और उनका पहला अफसानवी मजमुआ सोजे वतन उर्दू के अंदर शाये हुआ। और ये जो मुख्तसर अफसाना है ये उर्दू अदब की पैदाइश ना हो करके अंग्रेजी अदब की पैदाइश है, और इसको अंग्रेजी अदब से उर्दू वालों ने इसमें उर्दू अदब में शामिल किया। और उर्दू अदब का सबसे बेहतरीन दौर जिसको हम मानते हैं, जिसको जदीद दौर के नाम से ही मानते हैं, यानी आधुनिक दौर के नाम से मानते हैं, वो है तरक्की पसंद तहरीक। देखिए ये तरक्की पसंद तहरीक ने उर्दू अदब को दो हिस्सों में बांट दिया, एक तो जदीद उर्दू और एक कदीम उर्दू। तरक्की पसंद जो से जो ताल्लुक रखते थे वो पुराने रिवायती जो ख्याल है उनसे दरकिनार थे, उनसे अगेंस्ट थे, और उन्होंने अपना एक नया दौर और नया तरीका इख्तियार किया, इसलिए ये तरक्की पसंद तहरीक मानी जाती है। और इसकी जो शुरुआत है वो 1936 में हुई, और 1936 में ही एक अंगारे, ये ध्यान रखना, बहुत सारे इसमें अफसाने थे, उन अफसानों का एक मजमुआ बना दिया, यानी उसका एक ग्रुप और एक भंडार बना दिया, और उस ग्रुप का नाम क्या दिया? ये अंगारे। और अंगारे जो है अफसानवी मजमुआ था, और इसी 1936 में तरक्की पसंद तहरीक की शुरुआत हुई। तो अंगारे से उर्दू अफसाने में एक जबरदस्त उरूज आया, एक जबरदस्त तरक्की हुई, और ये अंगारे इसको लिखने वाले एक नहीं था बल्कि इसमें कई सारे मुसन्निफ शामिल थे, और कई सारे मुसन्निफों का जो मुख्तसर अफसाना है उसको शामिल करके एक मजमुआ बना दिया, उसको नाम दिया अंगारे। उसके बाद बात करते हैं हम 1936 में जो तरक्की पसंद तहरीक की शुरुआत हुई थी उसके जो बेहतरीन जो मुसन्निफ थे जिन्होंने मुख्तसर अफसाने में लिखा, उनके पर अहम नाम कौन कौन से हैं? एक तो है राजेंद्र सिंह बेदी, एक है सादत हसन मंटू, और एक है असमत चुगताई, और एक है अहमद नदीम कासमी। इसमें ये जो असमत चुगताई है इनके अफसाने ज्यादा उरूज पे आए, क्योंकि इन्होंने हिंदुस्तान में जो मुस्लिम औरतें हैं उनके ऊपर होने वाले जो जुल्म और सितम है उनके बारे में उन्होंने अपने अफसानों में उनको जगह दी।
तो ये तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता रहने वाले जो मुसन्निफ थे जिन्होंने उर्दू अदब में मुख्तसर अफसाना लिखा, उनके चार नाम मैंने यहाँ पर आपको बोर्ड पे राइट डाउन किए हैं, राजेंद्र सिंह बेदी, सादत हसन मंटू, असमत जुगताई, अहमद नदीम कासमी। उसके बाद स्टूडेंट से ये मुख्तसर अफसाना जो है किस दौर में पहुंचा, सन 1947 में पहुंचा जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, तकसीम हिंद का बंटवारा हुआ। कुछ ऐसे मुसन्निफ थे, ज्यादातर मुसन्निफ थे जो तकसीम हिंद के बाद पाकिस्तान चले गए और कुछ ऐसे मुसन्निफ थे जो हिंदुस्तान रह गए। तो हिंदुस्तान में रहने वाले जो मुसन्निफ जिन्होंने मुख्तसर अफसाने को आगे पहुंचाया उनके नाम मैंने यहाँ पर बोर्ड पे लिखे हैं। उनमें अव्वल नाम आता है काजी अब्दुल सत्तार का, और दूसरा नाम आता है अनवार अजीम का, तीसरा आता है सुरेंद्र प्रकाश का, और चौथा जो नाम आता है वो आता है इकबाल मजीद का। तो ये चार मुसन्निफ ऐसे थे जिन्होंने तकसीम हिंद के बाद उर्दू अदब में मुख्तसर अफसाने को कंटिन्यू रखा, जारी रखा। ये उनके नाम मैंने यहाँ पर बोर्ड पे लिखे हैं। तो स्टूडेंट ये पूरा जो कंप्लीट मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखा है ये कंप्लीट क्या है, अर्तका है किसका, मुख्तसर अफसाने का। तो इस मुख्तसर अफसाने को मैंने दो पार्ट में आपको क्लास दी है, एक तो मुख्तसर अफसाने की तारीफ और उसकी एजाय तरकीबी, वो मैंने कल की क्लास में डिस्कस किया, और दूसरा जो पॉइंट मैंने आपके सामने बनाया था वो अर्तका, वो यहाँ मैंने आपके सामने शुरू किया। तो इस अर्तका का जब भी पॉइंट लिखना हो आपको तो यहाँ आपकी शुरुआत ऐसे होनी चाहिए कि उर्दू अदब में मुख्तसर अफसाने का जो की शुरुआत है वो 20वीं सदी की इब्तिदा में हुई। फिर आपको प्रेमचंद के बारे में बताना है, प्रेमचंद का जो पहला मजमुआ है वो सोजे वतन, उसके बारे में, फिर सज्जाद हैदर यलदरम के बारे में, फिर आपको ये अंगारे के बारे में बताना है, और फिर तरक्की पसंद तहरीक के बारे में, और फिर 1947 के बारे में। तो ये जो आ रहा है वहां से लेके यहाँ तक ये प्रोग्रेस, ये तरक्की कैसे इसका विकास हुआ उसके बारे में मैंने आपके सामने बताया। इसी के साथ ये मुख्तसर अफसाने पर जो मुख्तसर नोट आता है एग्जाम के अंदर 6 नंबर का आता है ये, वो कम्प्लीट होता है। ओके।